हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। फ्रेंड्स, आपके घर में किसी को डायबिटीज है या किसी को बॉर्डरलाइन डायबिटीज है तो आपके घर में एक डिवाइस जरूर होनी चाहिए, वो है ग्लूकोमीटर। वैसे तो आप में से काफी लोग जानते होंगे कि ग्लूकोमीटर क्या होता है, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ग्लूकोमीटर एक ऐसी छोटी सी डिवाइस होती है जिससे आप घर पर ही आसानी से अपना ब्लड शुगर लेवल यानी कि शुगर को चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, अपने डायबिटीज पे चेक रखने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्लूकोमीटर और उसे कैसे यूज करते हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये है अगारो ग्लूकोमीटर जिसे यूज करके घर पर ही आप ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हो। ये इस तरह के एक केयरिंग केस में आता है जिससे इसे ट्रेवल में भी साथ ले जाना आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा ये ग्लूकोमीटर मशीन, इसके साथ आपको बैटरी भी मिलेगी। तो फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आप इस बैटरी को इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। साथ ही आपको मिलेंगे ये 10 पीसेस टेस्ट स्ट्रिप के। इसका 50 स्ट्रिप वाला पैक भी आता है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। स्ट्रिप पर एक एरो बना हुआ होता है, ये एरो वाली साइड ग्लूकोमीटर में जाएगी और दूसरी साइड में ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसके साथ ही 10 पीसेस ऑफ लैंसेट्स यानी कि नीडल्स भी मिलेगी। 50 वाले पैक में आपको 50 नीडल्स मिल जाएंगी। इन्हें कैसे यूज करना है ये मैं आपको डेमो में दिखा दूंगी। स्ट्रिप्स या नीडल अगर आपकी खत्म हो जाती है तो आप इनको अलग से भी ले सकते हैं, ये इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट है ये लैंसिंग डिवाइस जिसका यूज पियर्सिंग के लिए किया जाता है। इसके साइड पर एक कैप है जिसे ओपन करके आप इसमें नीडल प्लेस कर सकते हैं। नीडल कितनी पियर्स होगी उसके लिए यहाँ लेवल्स दिए हुए हैं 1 to 5। आप अपने हिसाब से एक लेवल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ ये कॉकिंग कंट्रोल दिया गया है जिसे खींचने पर ये ऑरेंज कलर का बटन ऊपर आ जाता है। इसे प्रेस करके नीडल को आगे की तरफ रिलीज किया जाता है। फर्स्ट टाइम सेटिंग के लिए आप एस और एम बटन को एक साथ प्रेस करिए और सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है ईयर वैल्यू। आप एस से बदल सकते हैं और मोड यानी कि टाइम और डेट सेट करने के लिए आप एम बटन का यूज किए उससे चेंज कर सकते हैं। सेटिंग पूरी हो जाने के बाद एम बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए। इसके यूजर मैनुअल में आपको इसे कैसे यूज करना है सारी जानकारी डिटेल्स में मिल जाएगी, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इसका डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेडी करना है लैंसिंग डिवाइस। इसमें जाएगी ये नीडल। नीडल को अच्छे से प्रेस करें और उसके बाद ऊपर के इस गोल पार्ट को अच्छे से ट्विस्ट करके निकाल दें। इसके अंदर है नीडल। कैप को वापस लगाएं और 1 से 5 में से एक लेवल सेलेक्ट करें। मैंने 3 सेट किया है। आप कॉकिंग कंट्रोल को पीछे खींचे, अब ये रेडी है टेस्टिंग के लिए। अब आप फिंगर को या जहां से भी ब्लड ले रहे हैं उसको अल्कोहल से पोंछ के साफ कर लें और फिर डिवाइस को रखकर रिलीज बटन को प्रेस कर दीजिए। पियर्सिंग इतने आराम से हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है। अब हल्का सा ऐसे हम स्किन को प्रेस करेंगे जिससे एक ड्रॉप ब्लड के ऊपर आ जाए। आप ग्लूकोमीटर को ऑन करें और इसमें टेस्ट स्ट्रिप डालें। ग्रीन साइड ऊपर की ओर रहेगी और एरो ग्लूकोमीटर की तरफ रहेगा। आप एस बटन पर प्रेस करके आप टाइप ऑफ टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सॉल्यूशन टेस्ट, बिफोर मील और आफ्टर मील टेस्ट। मैंने सेलेक्ट किया है आफ्टर मील टेस्ट। अब आप टेस्ट स्ट्रिप को ब्लड ड्रॉप से टच कीजिए और विद इन 5 सेकेंड्स आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल आई है इसलिए यहाँ पर कोई इंडिकेटर एक्टिव नहीं हुआ है। अगर ये आपकी नॉर्मल ना हुई, यहाँ पर और भी इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपको ये समझ आ जाए कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं। कीटो का सिंबल अगर आए तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन 320 mg/dL से ज्यादा है, अबव है। और अगर हाइपो का सिंबल आए तो आपका ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिलो 70 mg/dL है। दोनों ही केस में आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। टेस्ट हो जाने के बाद इस स्ट्रिप को निकालें और डिस्पोज कर दें। लैंसेट को इस तरह से बटन से पुश करें और नीडल को सीधा डस्टबिन में डिस्पोज कर दें। फ्रेंड्स, इसमें मेमोरी फंक्शन भी है जिससे ये 180 रीडिंग्स को सेव कर सकता है। तो आप अपने पिछले 7 days, 14 days या इसी तरीके से कुछ डेज का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं इस मेमोरी में जाके, जिससे आप अपना रिकॉर्ड इजीली मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी एवरेज शुगर कितनी रहती है या पास्ट में कैसा रहा है। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तब भी ये रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें आपका रेगुलर पता रहता है कि कब कितनी शुगर आपकी रही थी। तो इससे आप घर पर ही बिना किसी झंझट के इजीली 5 सेकंड के अंदर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस इजी भी है और बहुत यूजफुल भी। फ्रेंड्स, अगारो के इस ग्लूकोमीटर को ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको लिंक हमेशा की तरह पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा।
चलिए मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।